कमाल बाबर खान जी हमारे साथ है और ये अपने विचार रखना चाहते हैं, ईद के मौके पर कुछ कहना चाहते हैं और जनता विशेष न्यूज से खास तौर से गाय के विषय पर भी क्या कहना चाहते हैं। कमाल बाबर खान जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, सभी देशवासी जो भी हैं, हमारे हिंदुस्तान के वासी जितने भी हैं, उन सबको ईद उल अज़हा की सबसे पहले तो मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ सभी देशवासियों से, ख़ास तौर से उन मुसलमान भाइयों से जो कुर्बानी करेंगे, कि दोस्तों कुर्बानी वो करें जिसका हमारे कानून जो है देश का वो उसकी इजाज़त देता है। ऐसी कोई काम ना करें कि जिससे हम अपना त्यौहार मनाएं मगर किसी दूसरे भाई की दिलजोई हो या उसकी कोई भावनाओं को ठेस पहुंचे। हम ये चाहते हैं कि हम अपना त्यौहार मनाएं, खुशी से मनाएं। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जो आपके देश का कानून है आपको उसको मानना पड़ेगा, सबसे पहले देश का कानून है। अगर देश का कानून गाय की कुर्बानी के लिए मना करता है तो अगर आप लोग उसकी कुर्बानी करेंगे तो वो हराम होगी, और हराम चीज़ अगर आप कुर्बान करेंगे तो अल्लाह ताला भी उस हराम चीज़ की कुर्बानी आपकी कबूल नहीं करेगा। लेकिन सर यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए और जो पार्टी है ये उसका सिद्धांत है, लेकिन जो कुछ ऐसे बड़े नेता भी हैं जो इस चीज़ के फेवर में हमेशा रहते हैं कि जो उनके जो धार्मिक मामले उस पर हस्तक्षेप सरकार का ना हो, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने जो अपने नबी का हदीस बताई है आपको, ये हमारे नबी का हदीस है और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी मुसलमान हैं उन सब के लिए ये मानना ज़रूरी होता है। ये मैं किसी पार्टी का सिद्धांत नहीं बताया, ये हमारे नबी ने बताया कि आपका कानून देश का जिस चीज़ के लिए मना करते हैं, आपकी कुर्बानी अगर आप उस चीज़ की करेंगे तो वह हराम होगी, और हराम चीज़ की कुर्बानी जो है वो अल्लाह मंजूर नहीं करता है। मेरा सवाल यह कि अगर कानून भी है तो भी लोग उस चीज़ को फॉलो ना करने की बजाय वो धार्मिक आधार पर उस चीज़ को जज करते हैं कि हाँ हमारे धर्म में ये चीज़ है। आपने जैसे बताया कि कानून को आप मानते हैं या कानून की आप पालन करते हैं, तो कानून के हिसाब से तो फिर सभी को मानना चाहिए, तो आपको क्या लगता है बाकी के जो लोग हैं वो गलत है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, जो जितने भी उलेमा हैं मुस्लिम और जो समझदार उलेमा हैं, पढ़े लिखे उलेमा हैं, या जो मुस्लिम लीडर्स भी हैं, वो सभी लोगों से विनती यही कर रहे हैं कि भाई गाय की कुर्बानी आप ना करें। गाय किसी एक धर्म विशेष की आस्था का विषय है तो आप ऐसी कुर्बानी ना करें, सभी की अपील ये है। कुछ एक जाहिल लोग जिनको जानकारी ना मजहब की है ना ही देश की कानून की, वो इज्जत करते हैं, वो ऐसी गुस्ताखाना हरकत करते हैं, वो आधा परसेंट लोग हैं, और उस आधा परसेंट की वजह से बाकी जितना मुसलमान है वो भी बदनाम होता है। तो इसलिए आप ये ना कहें कि जी कोई मुसलमान ऐसा करता है या उलेमा ऐसा नहीं कहते, जो पढ़े लिखे उलेमा है, पढ़ा लिखा मुसलमान है, वो सब यही अपील करते हैं, और वो ज़्यादातर जो कुर्बानी उन्हीं की चीज़ों की करते हैं, उन्हीं जानवरों की करते हैं जो कानून में है, जो हमारे देश में जिनकी इजाजत है सिर्फ उनकी होती है, बाकी किसी चीज़। सर आप इस चीज़ को फेवर करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट कोई इस तरीके की चीज़ अगर होती है, अगर वो रोकती है, रोक लगाती है उस पर, तो वो ठीक है आपके हिसाब से? आपने जैसे नहीं, देखिए ऐसा है, ठीक या गलत की बात नहीं है, यहाँ एक आस्था की बात है, एक धर्म विशेष की आस्था की बात है। भाई अगर वो उसको अपनी माता मानते हैं और ये मानते हैं कि वो हमारे लिए पूजनीय है, तो आप उसकी कुर्बानी कैसे कर सकते हैं? आप कुर्बानी कर रहे हैं इसका मतलब आप जो अपने पड़ोसी हैं उसका दिल तोड़ रहे हैं आप। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे मजहब में ये है कि कोई पड़ोसी, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी आपका पड़ोसी है, आप उसका दिल नहीं तोड़ सकते, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बल्कि हमारी एक आयत है उसमें कहते हैं कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, उसका दीन उसके साथ, आपका दीन आपके साथ, तो आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि नहीं जी ये काम करना है या ये काम नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम फिर अपील यही करते हैं कि देश भर में जितने भी मुसलमान जो कुर्बानी करेंगे उसका ध्यान रखें। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जो कुर्बानी करें वो ढककर करें, खुले में ना करें, फेसबुक पर गोश्त की नुमाइश ना करें, क्योंकि गोश्त की कुर्बानी आप दे रहे हैं, जानवर की कुर्बानी आप दे रहे हैं, वो अल्लाह की रजा के लिए दे रहे हैं, ना कि उसको दिखावे के लिए दे रहे हैं, और अगर आप दिखावा भी करेंगे तो आपकी वो कुर्बानी कबूल नहीं होती। जनता विषय से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।